नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। देश में लोकसभा चुनाव की गर्मी का पारा उछाल पर है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने पूरे देश में राम और राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। वास्तविक मुद्दे धरातल से गायब है। रोजगार, महंगाई, तमाम मुद्दे गायब है। खैर, जब बात श्री राम से शुरू हुई है तो थोड़ी चर्चा प्रभु राम पर करते हैं। खैर, हमें इतना पांडित नहीं कि राम पर कुछ कह सकें, लेकिन वैदिक साहित्यों में लिखी और सुनी बातों के आधार पर चुनावी मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले शुरुआत इस दोहे के साथ करेंगे कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आपको बता दें, जिसका भावार्थ है कि ब्राह्मण गौ मतलब गाय देवता और संतों के लिए, इनके रक्षा के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। ये बात त्रेता की है। इस दोहे के अर्थ में ध्यान दीजिए कि भगवान राम गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लिए। आज देश में जिस राम और जिस राम राज्य की बात की जा रही है, जिसमें गायों का क्या हाल है, क्या सोच सकते हैं आप? जरा आप देश के जाने माने शिक्षक खान सर का एक ये वीडियो देखिए। अब चुनाव में पैसे बहुत लगते हैं, देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपया चंदा दे रही है। कमाई कितना होगी सोचिए, आप सोचिए कितना गाय काटा होगा, कितना काटा होगा, आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो अस्थमा करा दिया सर। आप सोचिए एक गाय जो लोग बढ़िया गाय तो 20-25 हजार में मिल जाती है जी, जो दूध देने वाली गाय होती है 20-25 हजार में गांव में मिल जाती है। जिस गाय को काटता होगा तो बूढ़ होगी, बीमार होगी, उसको खुद से खुद बेचता होगा कितना में, 20-25, मान के चलिए बढ़िया गाय समझो 20-25, कितनी हजार गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आया होगा, तब ना उतना चंदा दे रहे हैं। खैर, कहने को तो लोग यह भी कह सकते हैं कि गौ रक्षा ही राम राज्य नहीं है। तो आपको बता दें कि जब धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ा, तब व्याकुल होकर धरती माता गाय का रूप धारण करके नारायण से रक्षा की गुहार लगाई थी। तब विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार रीवा में गायों की हालत क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आखिर कौन जिम्मेदार है? खेत से लेकर गली तक, गली से लेकर सड़कों में, नालों में, पहाड़ों में, अवैध बाड़ों में आपको गौ बस तड़पते मिल जाएंगे और गौ रक्षा का चोला पहने सफेद पोशाकधारी राम मंदिर का मुद्दा बनाकर वास्तविक मुद्दे आसमान में तैरा दिए। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि रीवा की जनता के बीच यह चर्चा अब आम है। पहले आप ये रीवा में गायों के हालात के वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में बीजेपी, बहुजन, सपा, आप पार्टी से हटकर वो बात लिखिए जो आपके हक की बात है। आपके हक के काम के जो मुद्दे हैं वह वास्तविक रूप से गायब कर दिए गए हैं। पहले आप ये कुछ वीडियो देखिए जो कि रीवा में गायों के हालातों को बयां करता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी कई सीटों पर अपने सर्वे के बावजूद भी टिकट देने में गलती कर बैठी है।
यही हाल रीवा लोकसभा सीट में हुआ है। भले ही बीजेपी का कोई बड़ा नेता बगावत ना किया हो, लेकिन उस हिसाब से बीजेपी डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है। बीजेपी में असंतोष के बांध में अब लीकेज नहीं बल्कि बांध फूट पड़ा है। खैर, रीवा में बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं का पलायन बताता है कि 10 वर्षों में रीवा को कितना रोजगार मिला है। रीवा में कहने के तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ किसी भी व्यक्ति को, यहाँ के किसी भी युवा को शायद ही रोजगार मिला होगा। देखिए, सिमरिया विधायक अभय मिश्र ने रोजगार को लेकर 10 वर्ष के कार्यकाल वाले सांसद को कैसे घेरा है। डीटी पूरी को कितने लोग तलोगे, कितने बार तलोगे, कितने चुनाव से पूरी पर लड़ लोगे। विधायक लड़े चुनाव गुड़के तो उनका कहना मेरा है, रीवा के लड़े तो उनका तो कहना ही है कि सब उन्हीं का है, सोलर प्लांट उन्हीं का है। अरे भाई, मुझे आप ये बताओ कि सोलर प्लांट से रीवा को क्या बिजली दे रहे हो? रीवा को 8 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हो और 2.5 रुपए यूनिट बिजली आप दिल्ली भेज रहे हो रीवा में बनाकर। तो रीवा की के लोगों के मतलब ये तो एक तरह से मतलब अत्याचार है। यही बिजली आप रीवा के लोगों को उस रेट पे देते, फिर आप रीवा के किसी एक आदमी को आप वहां रोजगार दिए होते तो हमारे लिए सोलर प्लांट। अब रही बात एयर कनेक्टिविटी की, तो एयर कनेक्टिविटी का मैं आपसे बताऊं कि मैंने 3 साल पहले बड़ा भारी पोस्टर काले चौराहे में देखा और मैंने अखबारों में पढ़ा कि भव्य स्वागत हुआ चाक घाट में, तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ, तो मैंने सोचा टेंडर क्यों ना डाल दूँ। तो जब मैंने टेंडर डाला तो 38 करोड़ का कोई काम ही था। क्या है कि पूरे देश में 2200 मीटर का रनवे होना कंपलसरी, तो यहाँ पर रीवा जिले में का रनवे मैंने ही बनाया था बहुत पहले, एयरपोर्ट यहाँ रनवे हवाई पट्टी तो 1800 मीटर की थी उस जमाने, तो उसके लिए 400 मीटर मैंने जब टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़े तो 400 मीटर वो बढ़ाना था, दो कमरे बनाने थे, छोटे छोटे कुछ और काम। 38 करोड़ में क्या हो जाए, केवल प्रचार प्रसार जुमलाबाजी। जिस दिन ये ला लेंगे उस दिन मैं खुद कहूंगा कि हाँ, इन्होंने रीवा को कुछ दिया, केवल जुमलेबाजी करके और लोग और प्रचार प्रसार और मीडिया से करके केवल इतना है। ये रहा सोलर प्लांट, ये रहा एयर स्ट्रिप और फैक्ट्रियों पर आप देख ही रहे हैं, फैक्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में इन्होंने एक आदमी को रोजगार में रखा दिया हो तो उसका नाम और पता बता दो, हम उससे संपर्क कर लें। हाँ, इनको जरूर फैक्ट मिल गया कॉसमास में, जेपी सेक्टर 128 नोएडा में जो जेपी ग्रीन्स की कॉलोनी है उसमें जरूर इनको लाभ होगा। इतना ही है, रोजगार नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, मेडिकल व्यवस्था नहीं है। नागपुर के जाने वाली बसें और ट्रेन बताती हैं कि रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्तर की है। न गायों की सुरक्षा है, न महिलाओं की, न युवाओं की, फिर भी राम और राम मंदिर मुद्दा है। खैर, गायें वोट नहीं देती हैं, गलती उनकी है इसलिए वो मुद्दा नहीं है, पर राम नाम से भीख और वोट दोनों मिलते हैं इसलिए राम मंदिर मुद्दा है। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धरती पर अवतार लेने की विनती गौ माता ने ही की थी। आज सड़कों पर गौ वंश बसावन मामा, गौ अभ्यारण्य, जगह जगह खुले गौ वंश की और गौशालाओं की, ऐसी व्यवस्था को तड़प तड़प कर गौ वंश हालात बयां कर रहा है। खैर, रीवा लोकसभा पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966936257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।